चलिए, 17वीं लोकसभा का आज आखिरी दिन, राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा है, सदन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। एक ऐसी विकृत व्यवस्था विकसित हो गई, उसमें से मुक्ति दिलाने का बहुत बड़ा काम हमारे यहाँ हुआ है और इसके लिए भी सदन का मैं आभारी हूं। यानी इस प्रकार के कंप्लायंसेस के बोझ में सामान्य व्यक्ति तो दब जाता है और मैंने तो एक बार लाल किले से भी कहा था, हम जब मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस कहते हैं, मैं दिल से मानता हूं कि लोगों की जिंदगी में से जितना जल्द सरकार निकल जाए उतना ही लोकतंत्र का सामर्थ्य बढ़े। रोजमर्रा की जिंदगी में हर डगर पे एक सरकार टांग क्यों अड़ाए? हाँ, जो अभाव में है उसके लिए सरकार हर पल मौजूद हो, लेकिन सरकार का प्रभाव उसकी जिंदगी को ही रुकावट बना दे, ऐसी लोकतंत्र नहीं हो सकता है। और इसलिए हमारा मकसद है सामान्य मानवी की जिंदगी से सरकार जितनी हट जाए, कम से कम उसकी जिंदगी में सरकार का नाता रहे, वैसा समृद्ध लोकतंत्र दुनिया के सामने हमने आगे बढ़ाना चाहिए, उस सपने को पूरा करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 60 से अधिक गैर जरूरी कानूनों को हमने हटाया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसके लिए ये बहुत बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि अब देश को आगे बढ़ना है तो बहुत सारी रुकावटों से बाहर आना पड़ेगा। हमारे कई कानून तो ऐसे हैं, छोटी छोटे कारणों से जेल में भर दो बस, यहां तक कि फैक्ट्री है और उसके शौचालय को 6 महीने में एक बार अगर व्हाइट वॉश नहीं किया है तो उसके लिए जेल थी, वो कितनी बड़ी कंपनी का मालिक क्यों ना हो। अब ये जो एक प्रकार की जो अपने आप को बड़े लेफ्ट लिबरल कहते हैं उन लोगों की आइडियोलॉजी, और देश में ये तुमारशाही का जमाना, उन सारों से मुक्ति दिलाने का हमें भरोसा होना चाहिए भाई, वो करेगा। आज लोगों के घरों में लिफ्ट होती है, वो सोसाइटी फ्लैट वाले लोग अपनी लिफ्ट रिपेयर करते ही है जी, हर चीज कर लेते हैं। तो ये जो समाज पर नागरिक पर भरोसा करने का काम, बहुत तेजी से बढ़ाने का काम 17वीं लोकसभा ने किया है, और इसके लिए जन विश्वास एक्ट, मैं समझता हूं 180 से ज्यादा प्रावधान डीक्रिमिनलाइज करने का काम किया है, जो मैं कहा छोटी छोटी बात में जेल में डाल देना, ये डीक्रिमिनलाइज करके हमने नागरिक को ताकत दी है, वो इसी सदन ने किया है, यही माननीय सांसदों ने किया। कोर्ट की चक्कर से जिंदगी बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम, कोर्ट के बाहर विवादों से मुक्ति उस दिशा में एक महत्वपूर्ण काम, मध्यस्थता का कानून उस दिशा में भी इसी माननीय सांसदों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। जो हमेशा हाशिए पर थे, किनारे पर थे, जिनको कोई पूछता नहीं था, सरकार होने का उनको एहसास हुआ है। हाँ, सरकार है हमें, जब कोविड में मुफ्त इंजेक्शन मिलता था ना, उसको भरोसा होता था, चलिए जान बच गई, सरकार सरकार होना का उसको एहसास होता था, और यही तो सामान्य मानवी की जिंदगी में बहुत आवश्यक होता है, वो असहायता न अनुभव क्या होगा, ये स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। ट्रांसजेंडर समुदाय अपमानित महसूस करता, और जब बार बार वो अपमानित होता था तो उसके अंदर भी विकृतियों की संभावनाएं बढ़ती रहती थी, और ऐसे विषयों से सब लोग दूर भागते थे। 17वीं लोकसभा के सभी माननीय सांसदों ने
ट्रांसजेंडर्स के प्रति भी संवेदना जताई और उनके जीवन में भी बेहतरीन जिंदगी बने। और आज दुनिया के अंदर जब भारत ने ट्रांसजेंडर के लिए किए हुए काम है, जो निर्णय किए हैं, इसकी चर्चा है दुनिया को बड़ा। जब हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ इवन हमारे माता बहनों के लिए प्रेगनेंसी के लिए 26 वीक की डिलीवरी के समय की छुट्टी, दुनिया के समृद्ध देशों को भी आश्चर्य होता है। अच्छा, यानी ये प्रोग्रेसिव निर्णय यहीं पर हुए हैं, इसी 17वीं लोकसभा में हुए हैं। हमने ट्रांसजेंडर को एक पहचान दी है। अब तक करीब 16-17 हज़ार ट्रांसजेंडर को उनका आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है, ताकि उनके जीवन को, और मैंने देखा अब तो मुद्रा योजना से पैसे लेकर के छोटा मोटा वो बिजनेस करने लगी है, वो कमाने लगी है। पद्मा अवार्ड हमने ट्रांसजेंडर को दिया है, एक सम्मान की जिंदगी जीने के लिए। सरकार से जुड़ी अनेक योजनाओं का लाभ जो अब तक उनको मिलता नहीं था, मिलना प्रारंभ हुआ है। वो सम्मानीय जिंदगी, आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत विकट काल में हमारा समय गया, क्योंकि 1.5-2 साल कोविड ने हमारे पर बहुत बड़ा दबाव डाला, लेकिन उसके बावजूद भी 17वीं लोकसभा देश के लिए बहुत उपकारक रही है, बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन उस समय हमने कई साथियों को भी खो दिया है। हो सकता है अगर आज वो हमारे बीच होते तो आज इस विदाई समारोह में मौजूद होते, लेकिन बीच में ही कोविड के कारण हमें अपने बहुत होनहार साथियों को खोना पड़ा, उसका दुख हमेशा हमेशा हमारे रहेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, 17वीं लोकसभा का अंतिम सत्र और अंतिम आवर ही समझ लीजिए है। लोकतंत्र और भारत की यात्रा अनंत है, अनेक, और यह देश किसी पर्पज के लिए है, उसका कोई लक्ष्य है, वो पूरी मानव जात के लिए। चाहे श्री अरविंदो ने देखा हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी ने देखा हो, लेकिन आज उन शब्दों में, उस विजन में सामर्थ्य था, वो हम आंखों के सामने देख पा रहे हैं। दुनिया जिस प्रकार से भारत के महात्म्य को स्वीकार कर रही है, भारत के सामर्थ्य को स्वीकारने लगी है, और उसको, उस यात्रा को हमें और शक्ति के साथ आगे बढ़ाना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, चुनाव बहुत दूर नहीं है, कुछ लोगों को थोड़ी घबराहट रहती होगी, लेकिन ये लोकतंत्र का सहज आवश्यक पहलू है। हम सब उसको गर्व से स्वीकार करते हैं, और मुझे विश्वास है कि हमारे चुनाव भी देश की शान बढ़ाने वाले, लोकतंत्र की हमारी जो परंपरा है, पूरे विश्व को अचंभित करने वाले अवश्य रहेंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सांसदों का जो सहयोग मिला है, जो निर्णय हम कर पाए हैं, और कभी कभी हमले भी इतने मज़ेदार हुए हैं कि हमारे भीतर की शक्ति भी खिल करके निकली है, और मेरा तो परमात्मा की कृपा रही है कि मुझे जो चुनौती आती है तो ज़रा और आनंद आता है। हर चुनौती को हम सामना कर पाए हैं, बड़े आत्मविश्वास और विश्वास के साथ हम चले हैं। आज राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीजों में, तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आज जो व्याख्यान वो हुए हैं,
जो बातें रखी गई हैं उसमें संवेदना भी है, संकल्प भी है, सहानुभूति भी है और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने का उसमें तत्व भी है। यह देश बुरे दिन कितने ही क्यों न गए हो, हम भावी पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ अच्छा करते रहेंगे। ये सदन हमें वो प्रेरणा देता रहेगा और हम सामूहिक संकल्प से, सामूहिक शक्ति से उत्तम परिणाम भारत की नौजवान पीढ़ी की आशा आकांक्षा के अनुसार करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर एक बार आपका आभार प्रकट करता हूँ, सभी माननीय सांसदों का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सभी सदस्यगण, सत्रहवीं लोकसभा के इस सत्र के साथ लोकसभा का आज समापन हो रहा है। सत्रहवीं लोकसभा इसलिए भी विशेष है कि भारत के अमृत काल में हमने संसद के पुराने भवन और नए भवन दोनों भवनों में अपने संसदीय दायित्वों को निभाया। यह अवसर हमें मिला, यह अवसर भी हमारी जिंदगी में हमेशा अस्मरणीय रहेगा। नए भवन में स्थापित पवित्र सिंगोल न्याय सुशासन राष्ट्रीय एकता और राजनीति शुचिता का प्रतीक है। हमारे महान लोकतंत्र की इस उच्चतम संस्था के पीठासीन अधिकारी के रूप में आप सबके सहयोग से, आपके के सकारात्मक सहयोग से मैंने दायित्व निभाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बहुत बातें हमें प्रेरणा स्वरूप बताई। हमारे लिए ये पल ऐतिहासिक पल रहेगा, अद्भुत भी रहेगा और हमारी जिंदगी में लोकतंत्र की इस यात्रा के लिए हमेशा स्मृतिपूर्ण वाला ये काल हमारे लिए रहेगा। इस 5 वर्ष के अंदर जनता के लोकतंत्र के प्रति, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विश्वास बढ़े, इसके लिए सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की जनता की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया या अपने क्षेत्र के मुद्दे भी उठाए, देश के मुद्दे भी उठाए। और मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहली बार शून्यकाल जैसे विषय का सकारात्मक उत्तर देकर एक नई परंपरा भी स्थापित की। माननीय सदस्यगण, मुझे 19 जून 2019 को सर्वसम्मति से सभा का अध्यक्ष चुना गया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और सभी सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मेरे लिए भी ये 5 वर्ष जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और अस्मरणीय रहेंगे, क्योंकि आपके साथ जो बल मैंने गुजारे हैं वो मुझे हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। माननीय सदस्यगण, इस सदन की बड़ी उच्च परंपरा परपाटियाँ रही है, इस सदन की प्रतिष्ठा भी रही है। मुझसे पूर्व यहाँ बैठने वाले हमारे पूर्वती अध्यक्षों ने इस सदन की गरिमा प्रतिष्ठा मान मर्यादा को बढ़ाया है। मैंने भी प्रयास किया है कि सभी दलों के नेताओं के सहयोग से
इस पद की गरिमा भी और इस संस्था की सर्वोच्च प्रतिष्ठा बनी रहे और इसके लिए आपका सहयोग भी रहा, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सत्रीय लोकसभा कई कार्यकाल के लिए सत्रीय लोकसभा कार्यकाल कई अर्थों में ऐतिहासिक रहा है। सभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में जब मुझे दायित्व मिला तो मैंने कोशिश की, मैं सदन के लिए दूसरी बार का ही माननीय सदस्य था, मेरा कोई लंबा अनुभव नहीं था, लेकिन आप सबका सहयोग मिला और पहले सत्र में ही बिना व्यवधान के सदन की प्रोडक्टिविटी भी रही और सभी माननीय सदस्यों ने, विशेष रूप से नए आने वाले और पुराने भी, सभी माननीय 540 सदस्यों ने सत्र के पहले सत्र में ही अपनी भागीदारी निभाई, अपने विचार व्यक्त किए, उपलब्धि रहेगी। माननीय सदस्यगण, नए संसद भवन की आवश्यकता बहुत दिनों से लोग चर्चा करते थे, मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने भी इसके लिए प्रयास किया, मैंने और सभी सदन के ने सदन के सदस्यों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से संसद के नए भवन बनाने का आग्रह किया।